दो महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने पिछले जो 3 साल में मेहनत की थी ना, उसका फल जो है ना, ये 2 महीने के अंदर मुझे मिल गया। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अकाउंट में कितने डॉलर बन चुके हैं, इंशाल्लाह पूरे बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको इस न्यू वीडियो में। आज का व्लॉग तो नहीं है, लेकिन आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना, वो मैसेज है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया, और वो कितने अर्से में हुआ, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो मैंने जो है ना स्टार्ट कहाँ से किया, मैं आपको बता दूँ, जो भी बंदा YouTube पे नया आता है ना, उसको यही होता है कि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का घंटे का वॉच टाइम वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ अगर किया जाए तो। वो ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, अपनी मेहनत करनी है, डेली व्लॉग बनाना है। अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, मैं व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैं व्लॉग बनाता हूँ। अगर आप किसी और कैटेगरी में वीडियोज़ बनाते हैं तो आप बनाएँ, लेकिन कोशिश करें डेली व्लॉग बनाएँ, और एक टाइम फिक्स कर लें, शेड्यूल रख लें अपना। मेरी वीडियोस का शेड्यूल होता है डेली जो है ना, मेरी वीडियो 3 बजे आ जाती है, मैंने अपना वीडियोस के ऊपर शेड्यूल रखा हुआ है। आप भी रखें, डेली व्लॉगिंग करें, इंशाल्लाह जो है ना आपका चैनल ग्रो करेगा। कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले जो है ना, आपने वीडियो क्रिएट करनी है। वीडियो क्रिएट करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल कोई भी हो सकता है, सिर्फ उसका रिजल्ट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। मेरे पास रेडमी है, कोई आईफोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ट्राईपोड नहीं है, कोई माइक नहीं है, आपको पीछे हवा भी आ रही है, उसके बावजूद भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई रीज़न है, कुछ वजह है। उसकी वजह यही है कि पीछे मैंने मेहनत की है सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने, और 2 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने पिछले जो 3 साल में मेहनत की थी ना, उसका फल जो है ना, ये 2 महीने के अंदर मुझे मिल गया। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अकाउंट में कितने डॉलर बन चुके हैं, इंशाल्लाह पूरे बताऊंगा। उससे पहले आपने जो वीडियो बनानी है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें एडिटिंग थोड़ी सी अच्छी हुई होनी चाहिए। एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करनी है, मैं इनशॉट यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर थंबनेल बनाना है तो वो बहुत ही क्वालिटी किस्म का होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पिक्सल लैब, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप बनाएं, कोई इशू नहीं है, थंबनेल अच्छा होना चाहिए, बस ये रीज़न है, ये वजह है। और उसके बाद जो है ना, वीडियो शॉर्ट वीडियो जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं अपलोड करनी। शॉर्ट वीडियो पे पैसे मिलते हैं पर वो बिल्कुल ही लो लेवल के होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। फ़ायदा है आपको लॉन्ग वीडियोज़ का, आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँ, उस पर वर्क करें, डेली वर्क करें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो अकाउंट में है ना वो कितने डॉलर हो चुके हैं, ये साइड में आपको शो हो रहे हैं, यही हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मेहनत जारी है, तो मेहनत करते रहेंगे तो इसका फल भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और सबको जो है ना वो कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो है ना वो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। हम सऊदी अरेबिया के जो है ना वो यहाँ पर व्लॉगिंग करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा। जज़ाकअल्लाह खैर।